आज हम देखने वाले ₹1 वाला आईडी वर्सेस ₹1,000 वाला आईडी वर्सेस ₹10,000 वाला आईडी वर्सेस ₹1,00,000 वाला आईडी वर्सेस ₹10,00,000 वाला आईडी और पता लगाएंगे कि इन सब में क्या फर्क है। इन ₹10,00,000 वाले आईडी को देखकर तो आप लोग शौक ही हो जाने वाले हो क्योंकि उसमें इतने खतरनाक चीजें हैं, उसमें 10 लाख क्यों लगा है ये भी आपको पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले बढ़ते भाई ₹1 वाले आईडी में। एंड ₹1 वाले आईडी में भाई ये इतना ही मिलेगा भाई ₹1 वाले आईडी में, तो मतलब इसमें बस level 1 है और कुछ भी नहीं है इसमें। ₹1 में क्या ही एक्सपेक्ट करते हो भाई, लेकिन फिर भी इस ₹1 वाले आईडी से तो बेहतर ₹1 का टॉफी खरीद के खा लू मैं। ओके, तो अभी आते हैं भाई ₹1,000 वाला आईडी। ये आईडी मैं आपको बता दूं बहुत ही ज्यादा पुराना है भाई, 5 साल पुराना आईडी है ये। एंड ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि भाई इस आईडी में सिर्फ आज तक ₹1,000 ही लगा गया है। मतलब 5 साल हो गया फ्री फायर खेलते हुए लेकिन इसमें बस ₹1,000 ही लगाया। एंड ये आईडी अपने गिल्ड मेंबर प्रोफेसर का ही है और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इसके बेजेस देखो भाई, इसने एक भी इलाइट पास नहीं लिया है। इसके इलाइट पास के बेजेस पे नजर डालो, मतलब एक बेज चार बेज भाई ये कितना यूनिक है। चलो अभी जरा नजर डालते हैं इसके कलेक्शन पे भाई, मतलब अच्छा खासा कलेक्शन है यार। ₹1,000 में देख सकते हो आप लोग, ठीक ठाक है भाई ये सारे ड्रेसेस, मतलब है तो और क्या ही चाहिए भाई ₹1,000 में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, ये आईडी है 5 साल पुराना आईडी, इसमें बहुत सारे पुराने पुराने चीजें भी है जो पहले के टाइम पे फ्री में आए थे लेकिन अभी भाई पैसे दे के मिलता है। इसी मौके पे भाई एक शायरी लिखा है गरीना के लिए, इरशाद कर देना भाई कमेंट में। गरीना की दुनिया चलती है सिर्फ नोटों में, रेयर बंडल का क्रेज है बस पैसे के भोटों में। भाई देखो अगर शायरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, ऐसे ही शायरी और सुनाऊंगा बाद में। लेकिन कुछ भी बोलो भाई, मेरे हिसाब से तो ₹1,000 में ये आईडी वर्थ इट है, मतलब अच्छा खासा कलेक्शन है भाई ₹1,000 में देख सकते हो। आपको क्या लगता है ये ₹1,000 के हिसाब से कैसा है बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके तो गाइस अभी आते हैं ₹10,000 वाले आईडी में। एंड देखने वाले इस आईडी में ऐसा क्या है जिस आईडी को ₹10,000 वाला आईडी बनाता है। एंड भाई पिछले आईडी से ये कितना ज्यादा बेटर है, इसको रेट भी करेंगे आउट ऑफ 10। एंड ये आईडी में मेरे गिल्ड मेंबर का ही है मेडी। एंड यस इस आईडी का 69 लेवल है, 14,000 प्लस लाइक्स भी है। लेकिन देखते हैं भाई इस आईडी में कलेक्शन क्या क्या है। सबसे पहले आता है ये समुराई वाला बंडल भाई, एक टाइम पे ये बंडल रेयर तो था। फिर इसके बाद आता है भाई ये बंडल भी मेरा काफी फेवरेट बंडल में से एक है भाई, बहुत ही खतरनाक लगता था ये बंडल। ओके फिर इसके बाद भाई ये बंडल, एंड हाँ अच्छा खासा बंडल है इसके पास, मतलब इनक्यूबेटर के भी काफी टॉप टॉप बंडल्स भी है। प्लस भाई यहाँ पे डायमंड रॉयल में भी आया था ये बंडल भी है। कुछ एक्सक्लूसिव बंडल जो आए थे भाई जो कि बहुत डायमंड देके निकालना पड़ता था वो भी है। इतना सब कुछ देखने के बाद भाई लग रहा है कि इस आईडी में ₹10,000 तो खर्च किया ही गया होगा, मतलब 100 से भी ज्यादा बंडल्स है भाई इस आईडी में। और हाँ अच्छा खासा इमोट कलेक्शन भी है। देखो ₹1,000 वाले आईडी से ये आईडी बेटर तो है, एंड मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये 7 गुना बेटर है पिछले आईडी से। इसीलिए इस आईडी को मैं 10 out of 7 का रेटिंग दूंगा भाई। 10,000 के हिसाब से इसमें और भी ज्यादा बेटर कलेक्शन हो सकता था। लेकिन आपका भी रेटिंग मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपका रेटिंग क्या होना चाहिए था इस आईडी पे। अब सीधा आते हैं ₹1,00,000 वाले आईडी में। एंड ये आईडी भी हमारे गिल्ड मेंबर में से एक जादूगर का है। एंड इसका लेवल 79 है और 30,000 से भी ज्यादा लाइक है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि ये आईडी भाई पिछले ₹10,000 वाले आईडी से कितना गुना बेटर है और इस आईडी में ₹1,00,000 जैसा क्या है। ठीक है भाई इसके कलेक्शन देखना शुरू करते हैं। ओह माय गॉड भाई 300 से ज्यादा बंडल से इसके आईडी में, मतलब ये बहुत लंबा समय लेने वाला। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, आप लोग देख लेना भाई इस आईडी में क्या कुछ है, ₹1,00,000 जैसा ये वर्थ इट है कि नहीं। देखो इस आईडी में कुछ रेयर तो नहीं है लेकिन बहुत कलेक्शन है, मतलब अभी के टाइम पे तो फ्री फायर में कुछ रेयर बचा ही नहीं है, वो तो बात अलग ही है। लेकिन ऐसा रेयर कुछ बंडल यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सब बंडल ही है। मतलब फ्री फायर के अंदर ऑलमोस्ट भाई जो स्टोर में अवेलेबल है, जो आया था पहले, इनक्यूबेटर हो जाए, कोई भी भाई एक्सक्लूसिव डायमंड रॉयल का बंडल हो जाए, किसी भी इवेंट में आया हो, वो सारे बंडल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंड मैं आपको बता दूं भाई ये जादूगर का आईडी बहुत ही पुराना आईडी है। एंड इसको 6 साल से भी ज्यादा होने वाले भाई इस आईडी को, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो लेवल इतना ज्यादा है, लाइक्स इतना ज्यादा है, बहुत पहले से ही खेल रहा है। अगर गन कलेक्शन के ऊपर नजर डाले तो भाई गन कलेक्शन भी अच्छा खासा है, मतलब भाई 16 17 भाई 7 8 12 10 ऐसे भाई आपको स्किन देखने के लिए मिलेगा एक एक
गन का। तो मेरे हिसाब से तो भाई इस आईडी में लग रहा है कि हाँ 1,00,000 रुपए खर्च किया गया है भाई, गया है। एंड ये आईडी 10,000 रुपए वाली आईडी से काफी ज्यादा बेटर है। एंड इस आईडी को मैं आउट ऑफ 10 यहाँ पे 9 रेटिंग देना चाहूंगा, क्योंकि भाई 1,00,000 रुपए में बहुत सारे चीजें यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है भाई जादूगर ने। एंड चलो भाई फाइनली अभी आते 10,00,000 रुपए वाले आईडी में। एंड ये आईडी किसी और का नहीं बल्कि खुद मेरा ही है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे आईडी में 10,00,000 रुपए लगे हैं, सच बताओ तो भाई 10,00,000 से भी ज्यादा रुपए लग चुके हैं। मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट अमाउंट, लेकिन इतना जरूर पता है कि भाई 10,00,000 से काफी ज्यादा अमाउंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो भाई मेरे डायमंड्स देखो, 1,00,000 तो मेरा डायमंड ही है। अगर इसको भाई हिसाब करो भाई पैसे के हिसाब से तो कितना होता है बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। अभी और कुछ गिन ही नहीं रहा, ठीक है अभी गिनेंगे भाई धीरे धीरे करके, आपको पता चलेगा कि भाई 10,00,000 रुपए वाले आईडी में ऐसा क्या है। सबसे पहले मेरा लेवल देख लो, 74 लेवल में 27,000 लाइक्स है भाई, ठीक है लेवल कम है लेकिन लाइक्स तो बराबर है। मतलब अब मेरे बंडल्स के ऊपर नजर डालो भाई, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस आपको बंडल्स दिखाऊंगा। एंड 200 के ऊपर तो भाई बस ऐसे ही बंडल पड़ा हुआ है। एंड दिखाऊंगा भाई, आप सोच रहे हो भाई 200 तो बहुत कम है, और बंडल कहां पे है? और बंडल है, मैंने ओपन भी नहीं किया है। कितना बंडल मैंने ओपन नहीं किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड आप लोग लिटरली ये देख के शॉक होने वाले हो कि भाई मैंने कितने बंडल एंड कितना रेयर रेयर बंडल अभी तक ओपन भी नहीं किया है। बाकी यहाँ पे मेरा कलेक्शन हो रहा है भाई, मेरे पास क्या क्या है आप लोग खुद ही देख सकते हो। मेरे पास जो सबसे रेयर बंडल है ना भाई, वो है सीजन 2, सीजन 3, सीजन 5, सीजन 7, सीजन 8 भाई। ये सब बहुत रेयर है, बाकी सब तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। एंड ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि भाई ये सारे इलाइट पास मैंने रिटर्न आने के बाद खरीदा है, नहीं भाई ये मैंने पहले ही खरीद के रखा था। जब पहली बार इलाइट पास आया था तभी मेरे पास सीजन 2, 3, 5 ये गोल्डन इलाइट पास है। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल इलाइट पास की बात करें तो भाई सब कुछ है मेरे पास, सारे के सारे इलाइट पासेस से, सिर्फ एक इलाइट पास को छोड़कर, वो है सीजन 6 का इलाइट पास नहीं है, बाकी सारे इलाइट पास है मेरे पास। एंड सबसे ज्यादा जो पैसा लगा है मेरे आईडी में भाई वो है गन स्किन के अंदर। मैं आपको गन स्किन दिखाने वाला हूँ भाई, आप लोग देख के शॉक हो जाओगे कि मेरे पास इतने गन स्किन कहां से आ गए। एंड अभी मैं आप लोगों को टास्क देता हूँ कि भाई मेरे को आप लोग बताओ कि मेरे पास कौन कौन से बंडल नहीं है, ठीक है ये आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि सब कुछ तो मैं आप लोगों को दिखा ही रहा हूँ। एंड अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितने बंडल्स मैंने ओपन ही नहीं किया है, जो ऐसे ही पड़ा हुआ है वो कितने बंडल्स है यहाँ पे। बाकी आप लोग ध्यान से देखो एंड कमेंट में मुझे बताना भाई हर एक बंदा कि मेरे पास कौन कौन से बंडल नहीं है। ओके तो अभी देख लो भाई, मेरे पास 212 बंडल्स ऐसे पड़े हुए, वो भी रेयर रेयर बंडल जो मैंने ओपन ही नहीं करा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भाई मैंने कितने बंडल ओपन नहीं करा है, मेरे पास दो दो बंडल भी पड़ा हुआ है। मतलब लेकिन गन स्किन पे नजर डालते हैं भाई, गन स्किन देख लो भाई, देख लो गन स्किन, इवो स्किन मैं आपको दिखाता हूँ भाई कितने इवो स्किन मेरे पास पड़े हुए। एंड मैं आपको बता दूं भाई मेरे पास हर एक गन का कोई ना कोई स्किन जरूर से है, वो कोई भी गन हो जाए भाई एक गन का मेरे पास एक स्किन रहेगा ही। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हर एक गन का स्किन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड भाई मतलब कोई कोई गन का तो भाई बहुत ज्यादा ही है, लेकिन मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब ऐसा एक गन नहीं है जिसका एक स्किन मेरे पास ना हो। मेरे पास 145 बॉक्सेस भी है, मतलब 200 से ज्यादा बंडल्स तो है ही भाई जो ओपन नहीं किया है, 145 बॉक्सेस भी है। साथ ही में कितने ज्यादा मैजिक क्यूब कैरेट से आप लोग देख ही सकते हो, बंडल तो है ही भाई 200 से ऊपर जो ओपन नहीं किया है, मैजिक क्यूब कैरेट्स भी है भाई, मतलब बॉक्सेस भी है 145, आप लोग देख सकते हो मैंने ओपन ही नहीं किया है। प्लस मेरे पास यहाँ पे कस्टम रूम कार्ड भी 1,000 से ऊपर है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। एंड इस वीडियो में गाइस आप लोग के लिए एक चैलेंज भी है, अगर इस वीडियो में आप लोग 2,000 कमेंट करते हो देन मैं यहाँ पे जो है भाई ये सारे बंडल, 200 से ऊपर बंडल, 145 बॉक्सेस, ये सब कुछ ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर क्या क्या मिलता है मेरे को बॉक्सेस के अंदर, एंड बंडल्स भी सब कुछ ओपन करने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।